झाबुआ के थानला ब्लॉक के अंतर्गत प्रसूता रवीना पति राकेश मुनिया निवासी देवका अपनी पहली डिलीवरी हेतु शासकीय अस्पताल थानला में 14 अगस्त को लगभग 3 बजे शासकीय अस्पताल थानला में भर्ती कराई गई थी, जहां नवजात शिशु को फर्श पर गिरने के कारण अंदरूनी चोटें आने से उसकी मृत्यु हो गई। जहां ड्यूटी पर उपस्थित नर्स द्वारा प्रसूता को चेकअप कर कहा गया कि इसकी डिलीवरी का समय अभी नहीं आया तथा कुछ देर बाद जब प्रसूता को अत्यधिक दर्द होने लगा तो प्रसूता की सास के द्वारा पुनः नर्स को सूचना दी गई, जिसके बाद भी नर्स के द्वारा प्रसूता का उचित इलाज नहीं किया गया। जाकर कह दिया कि तुम मुझे बार बार परेशान क्यों कर रहे हो, तुम नाटक कर रही हो। कहते हुए नर्स के द्वारा कहा गया कि तुम अभी वार्ड के बाहर घूमो। तभी अचानक प्रसूता को लेबर पेन बड़ा और डिलीवरी होकर नवजात शिशु वार्ड के बाहर फर्श पर गिर गया। इस घटना को प्रसूता की सास ने स्वयं देखा कि नर्स के द्वारा अचानक दौड़कर बच्चे को फर्श से उठाकर टेबल पर रख दिया गया। नवजात शिशु को फर्श पर गिरने के कारण अंदरूनी चोटें आने से उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार प्रसूता एवं परिजन का कहना है कि नवजात शिशु का अत्यधिक स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण थानला हॉस्पिटल के द्वारा जिला अस्पताल झाबुआ में शिशु के उपचार हेतु रेफर किया गया, परंतु जिला अस्पताल से भी प्रसूता को निराशा ही हाथ लगी। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। पर टेबल पर मैं बोल रही है कि मैं जल लिया था बच्चा। कौन बोलता है ऐसा? सिस्टर। हाँ, सिस्टर बोलता है। अस्पताल के बाहर परिसर में ही डिलीवरी हो गई थी। हाँ, डिलीवरी होने न का कमरा थी अलग, ने जांच करवे न का अलग, जांच करवे न कमरा में डिलीवरी हो गई थी। अच्छा, कैसे क्या हुआ था पूरी बात बताओ। ओ बोलावा गया डिलीवरी हो थई थे बोलावा गया थे दुखावो थी हो दो बाटला चढ़ाया तेने बाद दुखावो थी हो ज्यादा दुखावो थी हो तो बोलावा गई। ओ कीर के क्यों चिल्ला रहे है बार बार चिल्लाते हैं कहीं नहीं आ गई। वो बोलावा गई पेशेंट है हम जांच करावा तेना टेबल पर मिली ने ये भी थी अन आवी पासे मार पीछे पीछे आवी सी तो रहते वो बता थे नीचे गिर गया नीचे गिरने ने पसे वो नाला कटिया नहीं आवी बोलावी वो जल्दी आ जाती इतने तक करवी आ तो बसान दुखत आवी ते हमारे बालक को मैं वसीरो कालीला एक बजे ना रात को एक बजे ना किरा अस्पताल में भर्ती करी तो वो ना पड़ी ना लीजो लीजो काल ना किरा आज बे दिवस थी गया आज भी कीधु तो के लीजो लीजो 3 बजे की बात थी थी वो बच्चा हमारा कोई भी था तरस लीजिए हमको ना मैं फोन कर दी बस तो अस्पताल में है कास में बीड़ी लो है तो लया नहीं वो काल वगैरह हालत न है कोई बसे वो नहीं मर। अच्छा, ये नर्स डॉक्टर जो भी वहाँ पे थे उनके खिलाफ क्या चाहते हो आप? जिनकी चाहते आप लोग मानते हो कि मतलब उनकी वजह से बच्चा डिलीवरी बाहर हुआ और गिर गया? हाँ, बाहर हो गई डिलीवरी बाहर गई और गिर गया बच्चा नीचे गिर गया और चीतर आवी ने नीचे पसे नाला का पे टेबल पे मेल को जांच करे ता थई गई डिलीवरी वो आवी ने। मेरी बच्ची थानला हॉस्पिटल में थी तो वहाँ पे उसने एक बड़ा बोतल और छोटा बोतल लगाया उसके बाद उसको रूम में चली गई। उसके बाद ज़्यादा दर्द हुआ तो फिर उसकी सासू बुलाने गई कि ये मेरी बहू को ज़्यादा दर्द हो रहा है, सिस्टर को बोला इधर आओ। तो सिस्टर ने बोला कि बार बार क्यों चिल्लाते हैं, दूर रह, इधर नहीं आने का। तो उसके बाद उसको ज़्यादा तकलीफ हुई तो बच्ची को लेके उस टेबल पे लेके गई उसको जाओ तो फिर करो क्या तकलीफ है। इतनी देर में सिस्टर को बुलाने गई इतनी देर में तो बच्ची टेबल पे खड़ी थी वहीं बच्चा गिर गया। उसके बाद और आयंदा फिर यहाँ बच्चे की हालत तो बिल्कुल ख़राब है यहाँ पर जाबे में मना कर दिया तो भी मैं अभी लेके बैठा हूँ यहाँ पर मेरी लड़की के बच्चे को और कभी मेरी लड़की की कोई भी आयंदा ऐसी कोई घटना घटी मेरे बच्चे की तो मैं कानूनी कार्रवाई करना जरूर चाहता हूँ। किसके ऊपर? डॉक्टर नर्स? डॉक्टर और नर्स के उपरांत। क्या नाम है आपका? ओम सिंह मीडिया नीना मा बचरदा। बच्चा
सिस्टर ने बोला थे तुम अंदर मत आओ, तुम बाहर रहो अभी। तो बच्चा नीचे गिर गया। हम आ जाता तो बस पर है ना, टेबल नीचे गिर गया। खड़ी थी सिस्टर, दौड़ के आई जाते हैं जो दौड़ के नहीं आई सिस्टर, कहीं दूर घनी बार बाद आई, घना टाइम से गया। बस आवे सिस्टर ने नीचे और बच्चे ने उठ के बच्चे के नाव का पेन फसा के अंदर ले गए। अंदर क्या झाड़ू को तो लगा रहा और क्या क्या इन तो काटोस नहीं इनके दो घंटा बाद मुझे अंदर से बाहर। जब बच्चा नीचे गिर गया तो उसके मतलब डॉक्टर देखने आया था, उसके बाद कोई नहीं आया। डॉक्टर को भी बोला, डॉक्टर भी नहीं आया। कौन सा डॉक्टर? डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर ने क्या बोला? आपका पूरा नाम? रवीना मुनिया देवता। आपको जागवा से जब वापस आए तो क्या बोला वहाँ के डॉक्टर ने? एम्बुलेंस के बारे में क्या आपको आवेदन मिल गया है? तुम्हारा बाप की एम्बुलेंस लेके आएगी क्या? खुद के पैसा भाड़ो करके आया। 200 रुपया मुका नहीं था। कहीं से आए आप? जागवा से? आपके बच्चे का इलाज कितने दिन झाबुआ में चला? तीसरे दिन मरण हो गया। आपको जब ये बच्चा गिरा तब उसके समक्ष में थे? बच्चा गिरा बोलवा के मैं अंदर टेबल को खड़ी रखी थी। मैं खड़ी रखी तो सीटर बोला भी सीटर क्यों चिल्ला रही है, बार बार चिल्ला रही है कर मन के तो बस बोला भी नहीं अभी अभी ने ताव भी दिया सीटर बोला कि दावी नहीं दिया बुझे इतना मैं दादा तो किया दे तो इसे तो गिर की तो बस कत सीटर आवे तो मन बोला वाले सीटर नहीं आवी थी ये बस गिर गया तो बस आवी ने से हूँ भी नहीं टेबल पैर मेरी वो नाला का पिन पसे पासी वो गंदू करी कर ले गया डीला भी था ताली से इंजन पे घंटा बाद हम भी सड़ी पसे हाथे काटी 7 बजे 4 बजे थे उसी दिन का पोते की। आप डॉक्टर को बुलाने के लिए गए, डॉक्टर ने आपको क्या बोला? हाँ डॉक्टर को कहते तो सीटर को बोला कि वो सर ने आगी तो सीटर ने बसा नीचे गिर गया है एम डॉक्टर ने भी बोलवा की थी ऊपर। डॉक्टर आया था? नहीं आया, डॉक्टर भी नहीं आया। 5 बजे छुट्टी करके जाता है बाहर में दिखी अंदर भाई डॉक्टर आ गए। बच्चा गिर गया उसकी सूचना करने के बाद भी डॉक्टर नहीं आया? डॉक्टर नहीं आया तो आगे हमको जांच करा वो मारती सीटर एक बोली के जरूरी है जांच करा नहीं तो जांच करवा आगे नहीं आया जांच करवा डॉक्टर भी नहीं आया। हम तो इनके तो बच्चा नीचे गिर गया आपकी बात करी गई हाँ बच्चा डिलीवरी थे रूपी ले बोला इतने आई सीटर तो बच्चा नीचे गिर गया तो नहीं टेबल पर मिली बस नाड़ो करती झेल लिया आंटी कहाँ झेल लिया नहीं आई चीटर बोला भी थे नहीं आई वो यहाँ बच्चा मिला। ये जो घटना कर्म होगी तो नर्स को क्या नर्स के ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए आप उसके लिए कोई मांग करना चाहेंगे? मेरे तो मेरा बेटा कार्रवाई चाहिए। आपका पूरा नाम बता दीजिए। नाम होता है आपका पूरा नाम? काम घटनाक्रम को लेकर आज आप धरने पे बैठे तो क्या मांग है आपकी? हमारी सबसे पहली मांग तो ये है कि जो पीड़ित महिला है उसको न्याय मिले क्योंकि 9 महीने उसने कोख में बच्चा रखा था और ये आज इंसिडेंट हुआ जिसके कारण पूरा आदिवासी समाज आज आक्रोशित है क्योंकि ऐसी घटनाएं इस हॉस्पिटल में होती रहती है। तो हम तो मांग करते उस नर्स पे उस स्टाफ पे और जो भी यहाँ पे जवाबदार है उन सब पे एफ आई आर होनी चाहिए और उनको तत्काल निलंबित करना चाहिए। ये हमारी मांग है, मुख्य मांग है। मेरा नाम अनुराग खड़िया है, मैं जेएस का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ। सीधा सीधा देखा जाए तो लापरवाही स्टाफ की है और यहाँ महिला चिकित्सा अधिकारी जो भी है उनकी भी लापरवाही दिखती है, कार्रवाई उन पर भी होना चाहिए। ये जो ऐसी सामान्य से घटना इसको नहीं कहा जाए क्योंकि इस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को होती है भवन से एक तरीके से छोटी सी गलती की वजह से उसको
खोना पड़ा, फिर दुख है, ऐसे भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसलिए हमको यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा। और उन दोषियों पर कार्रवाई अगर नहीं होती है तो हम फिर से आकर। आपका शुभ नाम? मधवेंद्र सिंह असुनिया, जय जिला कार्यकारी अध्यक्ष। सर यहाँ पर एक मामला सामने आया है कि कोई बाई डिलीवरी के लिए आई थी, उसका बच्चा पर्स पे गिर के मर गया, ऐसा बता रहे हैं, क्या है पूरी घटना? महिला उसकी दस्तक की शिकायत के साथ आए थे, उसको एडमिट थी, उसको फूल टन थी तो लेबर पेन हुआ होगा, तो उसको समझ में नहीं आया क्या है। अगर लेबर पेन हो रहा था तो वो क्या बोला था कि लेबर रूम के और चलो, तो हमारे लेबर रूम के लिए प्राइज देता, प्राइज क्या पेशेंट को इसका लेबर होगा नहीं होगा ऐसी चटनी होती है, पी एन सी वार्डन भेजना है, एन सी वार्डन भेजना, वो वाले राय देता वहाँ पे। वहाँ पर भी वो भाई खड़े हो तो परिजनों का आ रहा था कि वो वहाँ पे गिल्ली लोग हो गए, बच्चा गिर गया ऐसा, पर हमारे सीटर का कहना है कि बच्चा तो गिली गया, मैंने पकड़ लिया ऐसा कहना है उनका। वो पीड़ित का कहना है सर बच्चा नीचे गिर गया था, उसकी सूचना डॉक्टर साहब को भी देने आए, और डॉक्टर साहब भी देखने के लिए नहीं आए, ऐसा उनका आरोप है। नहीं मुझे तो नहीं पता है कि डॉक्टर साहब को सूचना दी नहीं थी, मेरे पास तो नहीं आया, किसी डॉक्टर के पास गए होंगे तो क्या पता मुझे नहीं आया। वो महिला का फिर आरोप है कि मेरा बच्चा पर्स पे गिर गया, उसके बाद भी मेरे को नर्स लोगों ने यहाँ गंदा कर दिया, यूं करके परेशान करा, उसके बारे में सर? नहीं वो तो आवेदन दिया है, इसके आधार पर हम जांच कमेटी बनाएंगे, उसके आधार पर जांच करेंगे, तभी पता चल जाएगा आपको कितना डिलीवरी क्या करवाए क्या नहीं करवाए। सर अपने यहाँ से बच्चे को कब रेफर किया गया था जिला अस्पताल? 15 तारीख को। एडमिट कब हुआ था सर? 14 तारीख को एडमिट हुआ था, की शिकायत के साथ एडमिट हुआ था, 3-3.5 दिन करीब। महिला का कहना है सर मेरे को बहुत दर्द हो रहा, सिस्टर को अवगत कराया, फिर भी मेरे सिस्टर ने अनदेखा करा। अभी इसका क्लियर तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो हम पूरा जांच करेंगे, उसमें सारे पॉइंट क्लियर होता है। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।